दोस्तों, जेका वॉल्ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं YouTube के बारे में, क्योंकि बहुत लोग आजकल YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं। सबको यही आशा रहता है कि हमारा YouTube चैनल में अच्छे सब्सक्रिप्शन आ जाए और उसके बाद हमको ऐड मिलना शुरू हो जाए और इससे कुछ कमाई हो। तो क्या YouTube चैनल से कमाई हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकता है कि अगर आप अच्छा कंटेंट वाला वीडियो डालें तो ज़रूर हो सकता है। लेकिन पहले पहल तो आपको सब्सक्राइबर मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अच्छा कंटेंट वाला वीडियोस डालना पड़ता है और ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं आजकल, यूट्यूबर्स तो नहीं कहें, सो क्या यूट्यूबर्स है, जो कि कुछ इवेंट्स होता है तो वो इवेंट्स को जस्ट विटनेस करके उसको उसका वीडियो बना के डाल देते हैं। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं ज़्यादातर इवेंट्स को जहाँ पर कुछ मेरे को मिल गया कॉन्टेंट तो वहाँ पर मैं वीडियोज़ करता हूँ, उसको यूट्यूब में थोड़ा एडिट करके छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से ज़्यादा व्यूअर्स तो मिलेंगे नहीं या फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी आप शुरू करने के लिए कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर सकते हैं। और आपका अगर कुछ अच्छा सब्सक्राइबर मिल जाए, अच्छा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मिल जाए, तो आप इसको फिर आगे अच्छा कंटेंट वाला वीडियो डाल सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल डाला है, ये पार्ट टाइम यूट्यूब चैनल है, मैंने प्रोफेशनली नहीं डाला है, मेरा जॉब है तो ये मेरा शौक है। लेकिन कुछ लोग उसको प्रोफेशनली भी ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए उसको बहुत सीरियस होना पड़ेगा और उनको अच्छा कंटेंट डालना पड़ेगा जिसको कि ग्लोबली सब लोग देखें। तो हमको ये मालूम करना पड़ता है कि YouTube में कितना व्यूज़ हमारा आ रहे हैं, कितना सब्सक्राइबर और व्यूज़ डालने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि अब मैं आपको आज बताऊँगा कि ये जो ऐप है, ये ऐप से आप कैसे अपना व्यूज़ जान सकते हैं। क्योंकि YouTube का रूल्स बना चुका है उसमें कि आपको मिनिमम 4000 आवर्स, एक साल में उसका 4000 आवर्स का व्यूज़ चाहिए, उसके साथ साथ 10,000 व्यूज़ चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तभी जाके आपका चैनल को मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। आपको ऐड मिलेगा तो उस पर आपको पैसा आ सकता है। 1000 एड्स पे $1 आता है, लेकिन वो कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। तो ये जो YouTube का जो एनालिसिस करने के लिए कि कितना सब्सक्राइबर हैं या फिर उनका कितना ये है, आपको ये एक ऐप डालना पड़ेगा। इसको कहते हैं YouTube स्टूडियो। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके YouTube स्टूडियो आपको टाइप करना पड़ेगा और आपके पास आ जाएगा ये वाला छोटा सा जो राउंड में, हाँ ये वाला आ जाएगा आपके पास। मैंने तो पहले से डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मेरा ओपन करूँगा मैं इसको। तो ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है, जैसे आप अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे, फिर आपको यहाँ पे आपको इस तरह से स्क्रीन आ जाता है। देखिए, मेरा जेक वॉल्ट्रिक्स चैनल, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट 21 डेज में आपको कितना व्यूज़ मिला है, कितना व्यूज़ मिला है, कितना मिनट्स का व्यूज़ मिला है, कितने सब्सक्राइबर आपका बढ़े हैं और कितना रेवेन्यू आपको अर्न हुआ है, ये चारों पहले देता है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे कितने सब्सक्राइबर है, मेरा अभी 1521 सब्सक्राइबर है, 1521 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने बेसिक जो लेवल है पार कर लिया है, लेकिन मैंने मेरे को अभी 4000 घंटे अभी मिले नहीं है, तो इसके लिए मुझे और अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो ये YouTube स्टूडियो को लेकर आप अपना जो व्यूज़ को आप मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना लोग आ रहे हैं, कौन से एज के लोग आ रहे हैं, कहाँ किस देश से आ रहे हैं, ये सब फैसिलिटीज़ इसमें है। तो ये नीचे देखिए मेरा कुछ वीडियोस हैं और यहाँ पे सबसे नीचे कमेंट सेक्शन आता है। तो हम अभी चलते हैं कि हमारा एक साल में कितना व्यूज़ आया है, कितना मिनट्स का व्यूज़ आया है, क्या हमने 4000 घंटे का टारगेट पूरा किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपको कि लास्ट 48 आवर्स में आपको कितना व्यूज़ मिला है। यहाँ पे देखिए 14000 व्यूज़ मेरे को लास्ट 48 आवर्स में मिला है। फिर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉच टाइम मिनट्स, तो जिसमें ये लास्ट 28 डेज का दिया है, जो 91,387 का है, लेकिन यहाँ पे हमको पता चलेगा कि हमारे लास्ट वन ईयर में कितना है। ये तो 21 लास्ट 21 डेज है, इसको हम ये एरो मार्क में क्लिक करके हम इसको 365 डेज, मतलब वन साल वन ईयर का हम देख सकते हैं। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग टारगेट्स आएंगे कि वन मंथ में कितना है, 90 डेज में कितना आया है। तो अभी इसी को क्लिक करके ही हम जान सकते हैं कि हमारा कितना आर्स हुआ है। तो ये 28 डेज है, फिर 98 डेज, 365 डेज हमने दे दिया। तो यहाँ पे देखिए आप क्लियरली शो कर रहा है 230,644। तो 2,30,000
30,644 वॉच मिनट्स जो है मेरा लास्ट 365 डेज में हुआ है, यानी कि एक साल में। तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा 60 मिनट्स, तो 2,30,644 डिवाइड बाई 60 मिनट्स, तो हमको आवर निकल जाता है। मेरा अभी तक 3,844 आवर्स हुआ है, मतलब अभी तक मेरा 4,000 घंटे नहीं हुआ है। तो मेरा तो व्यूज तो 10,000 हो गया लेकिन मेरा 4,000 आवर्स नहीं हुआ है। तो इससे मेरा अभी मेरा मोनेटाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ है, तो मैं इतना जल्दी भी नहीं कर रहा हूँ मोनेटाइजेशन करने के लिए, और इतना अच्छा कंटेंट भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और अच्छा कंटेंट सोचना भी पड़ेगा। तो मैं तो सिर्फ इवेंट विटनेस करता हूँ और वीडियोस छोड़ता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर अभी बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, ऐसा इवेंट ही वीडियो, जिसमें मैंने अराउंड अभी तक मुझे 1,50,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। तो जो भी हो, आप सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल में आगे प्रगति करें और इसी तरह से। लेकिन इसमें और भी, ये जो YouTube स्टूडियो में मैंने खाली मिनट दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपना एडिट भी कर सकते हैं, जो YouTube वीडियोस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आसानी से कर सकते हैं। यहाँ अपना थंबनेल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, उसका नाम एडिट कर सकते हैं और अपना टैग्स भी डाल सकते हैं, जो जो आपको टैग डालना है, जिससे कि आप सर्च हो सकता है आपका वीडियो। तो ये मैं कभी फिर से बताऊंगा, इसमें बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस भी हैं। एडवांस ऑप्शंस में जाके आप उसका कैटेगरी चूज कर सकते हैं और आप अपना उसका कमेंट्स एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ये सब फिल्टर्स वगैरह आप डाल सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि आज का वीडियो अगर हम इतना ज़्यादा लंबा डालेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मेरा ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे 4,000 घंटे व्यूज़ भी लाने हैं, तो आप सब भी इसमें मेरा हेल्प करिए और अपना चैनल को भी इस तरीके से आप थोड़ा मॉनिटर करिए, तो इससे आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन है दबा दीजिए, ताकि आपको इसके नेक्स्ट वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरा ये चैनल और ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।